सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। उम्मीद होगा आप सब लोग अच्छे हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, हमारी अपनी अपाची RTR 310 खड़ी है। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस मैंने पढ़े यार वीडियोस में, तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो क्यों ना ऐसी बनाई जाए जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ख़त्म करने का काम किया जाए। भाई यार बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि भैया क्या एवरेज दे रही है, कैसी चल रही है। क्योंकि यार देखो यार, नो डाउट भले ये RTR से महंगी है थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले लॉन्च हो रखी है, थोड़ा आउटडेटेड लगती है। वैसे लगती तो नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कोई बाइक हो सकती है। हालांकि अभी RTR 310 जो निकाली है TVS ने, उसकी बात अलग है, ठीक है, वो इससे भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन लुक्स वाइज अगर फेयर्ड में देखी जाए तो इससे अच्छे लुक्स में आई थिंक कोई ना कोई बाइक शायद ही होगी जो इसको टक्कर दे पाती है, ठीक है। तो भाई बहुत लोगों के भाई रहते हैं क्वेश्चंस कि भैया कैसी चल रही है, क्या सीन है इसका, मतलब एवरेज क्या निकाल के दे रही है, कैसे निकाल लेते हो एवरेज। भाई एवरेज देखो, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत मस्त एवरेज निकालता हूँ मैं इससे, ठीक है। और अभी तक भाई कुछ हुआ नहीं है, 6,500 किलोमीटर इसको मैं चला चुका हूँ, तो नो डाउट यार बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। और जब आप इसको ट्रैक मोड पर चलाते हो ना, तो भाई ये गजब की चीज़ है, ट्रैक और स्पोर्ट्स में भाई मज़ा दे देती है, ठीक है। तो भाई मैं एक ओनरशिप एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कि और कुछ क्वेश्चंस आपके भी पुट करूँगा, मतलब क्या एवरेज का क्या सीन है और आपको कितने में मिली। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं भाई कितने में मिली और कैसी चल रही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोग पूछते रहते हैं। तो भाई उसी से रिलेटेड सारी बात होगी इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और भाई यार ये साल की आखिरी वीडियो है, तो हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं अपने बाइक पे और अब आपको इसके बारे में बताएंगे कि भाई साहब क्या मज़ा दे रही है कि क्या नहीं दे रही है। अभी तक देखो मैंने आज दिन भर में 40 किलोमीटर इसको चलाया है, ठीक है। पूर्वांचल पे लेके गया था, स्पोर्ट्स मोड पे चला रहा था और आपको मैं दिखाता हूँ भाई क्या एवरेज दिए इसने, ठीक है। नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया गलत बताते हो। देखो 21 का एवरेज दे रही थी, ठीक है। मैं नॉर्मल, मतलब जो उस मोड में चल रहा था, नॉर्मल नहीं कह सकते उस मोड को भाई, ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में चल रहा था। और फ्यूल इसने 1.7 लीटर कंज्यूम किया है, 1.7, ठीक है। और उसके बाद ये भाई मेरा जो ये वाला है ना, ये मेरा चलता है आपका अर्बन मोड में, जो कि शहर के अंदर 26 का आपके MPL देख सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 26-27 का ये निकाल देती है। लेकिन भाई ये मेरी राइडिंग पे, अगर आप इसको बहुत प्यार मोहब्बत से चला रहे हैं, आपने अगर इसको बहुत प्यार मोहब्बत 80-90-100 क्रूज़ करना है, तो ये भाई ये गाड़ी जो है ना, ये आपको जो एवरेज देगी वो भाई बहुत, मतलब 300 cc सेगमेंट में मेरे को नहीं लगता इससे अच्छा एवरेज कोई गाड़ी दे सकती है भाई साहब। मतलब 30-32 का एवरेज निकालते हुए मैंने देखा है लोगों को, और मैंने भी निकाला है इससे। लेकिन मेरी एक चुल रहती है कि मैं भगाता बहुत हूँ, ठीक है, जब मेरा मन करता है मैं तब एक्सलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये है कि अगर आपको इससे एवरेज निकालनी है तो ये बहुत इजीली एवरेज निकाल के देगी। वहीं हम लोग बात करें ना इसके GTT की, तो GTT से मैंने बताया था कि 45 प्लस की आप एवरेज निकाल सकते हो, तो जी हाँ गाइज, इसका जो GTT है ना, उससे आप निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि भाई वो एक नॉर्मल RPM पे ना बहुत अच्छा खासा 45 की स्पीड पे बाइक चलती है। अगर तो भाई अगर मैं इसको GTT पे छोड़ देता हूँ ना, अगर पहले गियर पे ट्रैफिक में भी, तो ये अपने आप चलती है। तो उससे क्या रहता ना, मेरे को एक्सलेटर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अपने आप ही चलती रहती है। तो ये एक चीज़ जो मेरे को ना बहुत अच्छी लगी है, BMW में भी आपको मिलेगी, TVS में भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली है। बाकी इसको थोड़ा भगाते हैं यार, वीडियो में आप लोग बोर हो जाएंगे नहीं तो। और ऐसे जब आप भगाओगे ना, तो इसकी आवाज़ बहुत अलग से निकल के आती है, मतलब इतनी अलग निकल के आएगी मैं क्या ही बताऊँ, अब आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। भाई जब इसको भगाओगे ना, तो बहुत बेहतरीन एग्जॉस्ट का जो नोट आता है ना, बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन एग्जॉस्ट नोट आता है। हाँ हाँ, देखा अपना सिक्का चलता है गाइस यहाँ पे। तो ये देखो आई लव यू सोना लिख रखा, मतलब ऐसे ऐसे चिरांद लोग रहते हैं यहाँ, क्या ही मैं बताऊँ, कहाँ से आते लोग, कौन है ये लोग, क्या ही मैं बताऊँ भाई। तो टू द पॉइंट पे आते भाई, बाइक अगर आप इसको आप परचेज कर रहे हो ना 2023 में, तो भाई आँख बंद करके कर लो गुरु, सही बता रहा हूँ, मतलब आपके दिल को तसल्ली मिलेगी।
क्योंकि ये बाइक कहीं से नहीं लगती कि आउटडेटेड है। भाई इसका लुक कभी भी आउटडेटेड नहीं लगेगा। पहली बात, इसकी जो बल्किनेस है ना वो लोगों को बहुत बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है, और इसकी बल्किनेस की वजह से ही ये भाई बिकती भी है आई थिंक। क्योंकि भाई इंजन, अगर इंजन की बात करें ना, तो आपको जो ये पावर प्रोड्यूस करके दे रहा है उससे ज़्यादा पावर आपको RTR में मिलेगी। लेकिन भाई अगर आप परचेज इसको, अगर आपको फेयर्ड बाइक लेनी है तो आप भाई 2023 में इसको डेफिनेटली 2024 सॉरी यार आज तो आखिरी दिन है 2023 का, तो आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इस बाइक को लंबे टूर पे लेके जाना चाहते हो ना, तो लंबे टूर पे भाई मैं सही बता रहा हूँ, इसको और RTR आप दोनों भाई आँख बंद करके ले जा सकते हो, आँख बंद करके, ये जो बाइक है भाई। और खड्डे उड्डे से थोड़ा बचाइएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है, तो भाई थोड़ा सा इसका जो रिम है ना वो थोड़ा उतना, मतलब कह नहीं सकते कि इतना अच्छा है। तो नो डाउट यार बाइक बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मीटर आपको ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस। और हाँ, इसके मीटर के बारे में भाई मैं बता दूंगा तो आप लोग कहोगे भैया क्या चीज़ बना दी है। जैसे हमें भाई फ़ोन कनेक्ट करने के बाद पता है, आप इसमें अपना ईयरबड अगर आपके पास है, एयरपॉड्स है, तो उसको कनेक्ट करके इससे गाने सुन सकते हो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप वो ले लो, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकॉम ले लो, तो आप ये काम कर सकते हो, अपने एयरपॉड से आप गाने सुन सकते हो इसमें। ये मैंने करके देख लिया है, बड़ा मज़ा आता है भाई। बेस नहीं मिलेगा इसमें आपको, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग सुनने को मिलेगा उसमें। जैसे बेस का जो फील होता है ना वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है, अगर इंटरकॉम रहता है तो उसमें थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से बेस भी मिलता है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है ना कि बाइक यार डेफिनेटली आप इसको परचेज करिए 2023 में। और फिलहाल आप ये मौसम देखिए यार, क्या बेहतरीन है ना मौसम, यहाँ स्टेडियम, यहाँ फिनिक्स प्लस यू। तो भाई अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो ना, तो डेफ़िनेटली आप इसको परचेज़ कीजिए। बाकी कहीं से आउटडेटेड तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि यार देखो अभी तक एप्रिलिया भी लॉन्च हो चुकी है, तो एप्रिलिया भी भाई सेम, मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि मेरे को लुक वाइज तो भाई दोनों में सिटिंग पोस्चर, एप्रिलिया का थोड़ा जो हैंडल बार्स है ना वो नीचे हैं, तो वो थोड़ा मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाकी अगर आप इससे टूरिंग भी करना चाहते हो ना, तो नो डाउट यार ये टूरिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन बाइक है, ठीक है। अगर इफ़ यू वॉन्ट टूरिंग देन गो फॉर इट, ठीक है। बाकी इसके जो टायर्स है भाई अपने सेगमेंट में अभी तक भाई मतलब सबसे बेहतरीन टायर भाई, 400 सीसी से सीसी में भी सबसे अच्छे टायर्स ये देती है कंपनी, ठीक है, आपके मिशलिन के रोड 5 है भाई टायर। नो डाउट यार इससे अच्छा टायर आपको कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, आगे भी मिशलिन पीछे भी मिशलिन। बाकी एक चीज़ जो मुझे इस बाइक में बहुत प्यारी लगी है ना, ये आप देख रहे हो, ये रुको यार मैं अपने सस्ते ग्लव्स हटा दूँ, ये आप देख रहे हो, ये भाई एग्जॉस्ट, सस्ते ग्लब से मैं महंगे एग्जॉस्ट दिखा रहा था भाई साहब। ये एग्जॉस्ट की जो बैंड पाइप आप देख रहे हो ये नीली हो जाती है, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल कलर में आ जाती है, मतलब एक तरीके से देख रहे हो मतलब 3 लाख रुपए में आपको टाइटेनियम की बैंड पाइप देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको BMW का इंजन तो देखने को मिलता ही मिलता है भाई। तो ये सब चीज़ें जो है ना यार बाइक को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना देती हैं। ब्रेक्स आपके अच्छे हैं, अच्छे ब्रेक्स आपके, मतलब ब्रेक्स अच्छे हैं, बाकी वो बात अलग है कि टाइम पे अगर लगाओगे तो लग जाएंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे। बाइक का वेट जो है ना गाइस काफ़ी भारी बाइक है, ठीक है, नो डाउट भारी है। उसके बाद आपका, आपके टांगों में जान होनी चाहिए इसको आगे पीछे करने के लिए, जस्ट बिकॉज ये मेरे को ना बुलेट से भी थोड़ी वो थोड़ी सी भारी लगती है। अगर आप लोग मेरा मजाक बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, क्योंकि भाई फेयरिंग है। अब आप लोग कहोगे भाई फेयरिंग में कौन सी भारीनेस आ गई, तो भाई नो डाउट इसकी फेयरिंग की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, ये बहुत बहुत गजब की बिल्ड क्वालिटी भाई, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर इस पे इम्पैक्ट पड़ता ना, मतलब जो फेयरिंग की बिल्ड क्वालिटी थी मेरे हिसाब से उनको रिम में लाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैंने सर्विस सेंटर में देखा बहुत लोगों की पीछे वाली रिम जो है ना, पीछे पिलियन बैठा लेते हैं, अगर हवा कम है तो भाई रिम चली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और देखो ये वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको सिर्फ ये शेयर करूँगा कि ये बाइक का एवरेज क्या सीन रहता है, कि कैसे है। तो भाई देखो बाइक 80-90-100 पे चलोगे तो नो डाउट यार बहुत अच्छा एवरेज निकाल के देती है। 110 के अबव चलोगे ना, 110 के ऊपर, तो भाई थोड़ा एवरेज आपका गिरेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स मोड में भी अगर आप चल रहे हो तो भी ये बाइक पता है आपको 25 का एवरेज निकाल के देगी। मैं देखो यार मैं बहुत गंदी तरीके से मैं थोड़ा बहुत फर्स्ट एड होके चलाता हूँ, इसको खींचता हूँ हाई रेव करके चलाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सा वो एवरेज कम मिलता है। लेकिन भाई सही बताऊँ, अगर आप बहुत शांत माइंड से अगर आप इसको नॉर्मली
अर्बन में भी अगर आप अच्छा खासा क्रूज करके चलोगे ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से चलने वाली, नो डाउट, ठीक है। और लेकिन हाँ, इसको अगर आप गंदी रखोगे तो भाई ये बुरा मान जाती है, अच्छी नहीं दिखती है फिर ये बाइक। जितना साफ रखोगे उतनी अच्छी लगेगी ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ था भाई। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,